नमस्कार। रायपुर मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के कई स्थानों में होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दरअसल दक्षिण से पूर्व नमी युक्त हवा आने के चलते बदला मौसम। बता दें कि पिछले दो दिनों से प्रदेश में मौसम का आंख मिचोली जारी है। कभी तेज धूप तो कहीं बादल और ठंडी हवा चल रही है। कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। ऐसा बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी युक्त हवा चलने के चलते हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के कई स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि एक पश्चिमी विक्षोभ मध्य और ऊपरी वातावरण में चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण के रूप में पूर्वी ईरान के ऊपर स्थित है। इसके प्रभाव से एक प्रेषित चक्रीय चक्रवात परिसंचरण मध्य राजस्थान और उससे लगे क्षेत्र के ऊपर बनी हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व से नमी युक्त हवा का आवागमन बंगाल की खाड़ी से लगातार हो रहा है। इसके चलते मध्य स्तर पर पश्चिमी द्रोणिका का प्रभाव 16 से 20 मार्च तक रहने की संभावना है, जिसके चलते प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश के कई स्थानों में 16 मार्च को हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होगी। कई जगहों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है। अगर तेज नमी युक्त हवाएं चली तो प्रदेश के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने और ओलावृष्टि होने की भी संभावना बन रही है। वहीं आज सुबह 9 बजे से राजधानी रायपुर में हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 मार्च बुधवार को प्रदेश में गर्मी का स्तर काफी अधिक रहा। सबसे अधिक गर्म जिले की बात करें तो वो रायगढ़ रहा। यहां का अधिकतम तापमान सबसे अधिक 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं इसके बाद दूसरे नंबर पर रायपुर 37 डिग्री सेल्सियस और इसके बाद बिलासपुर और दुर्ग का तापमान रहा। बता दें कि प्रदेश में गर्मी का सितम शुरू हो गया है। बढ़ती गर्मी के बीच आज छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। लोगों को आज गर्मी से राहत मिलेगी। तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 16 से 20 मार्च तक मौसम में फेरबदल होने की संभावना है।